नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे चिराग किताब में से ली गई सुरक्षाकर्मी के बारे में वो कविता जो एक हमें अपने वीरों को सलाम करती है नमन करती है और वो वीर जो वीर गति को प्राप्त होते हैं आइए बात करते हैं यशपाल शर्मा जी से कि वो और इस कविता के बारे में क्या कहना चाहते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है जी आप सुर, सुरक्षा कर्मी के बारे <coughs> में बात कर रहे थे और क्या कहना चाहते हैं आप सुरक्षा कर्मी के बारे में सन उन्नीस सौ बासठ में जी चीन ने भारत का एक विश्वास तोड़ा था पंचशील को अपना करके जी कोई मित्र किसी मित्र का विश्वास तोड़े वो सबसे बड़ा आत्मघात होता है और आदमी को आगे हाथ भी लगता है उस आघात से सँपने के लिए आदमी को समय लगता है और जो आघात को मित्र देता है उससे आदमी को शिक्षा भी मिलती है यो सुरक्षा गार्ड उस समय प्रधानमंत्री की कोठी पे हुआ करते थे या उनके आपस में हुआ करते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि चीन के उन के हमला करने से पहले जब हम वहाँ सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे तो जवाहरलाल नेहरू बड़े आन छान के साथ बड़ी अपने एक अच्छे स्वभाव में वो कार में बैठते थे आपस में जाते थे ऐसा उन्होंने देखा किंतु उन्नीस की लड़ाई के बाद उन्हें का घात पहुँचा कि जिस देश को हम एक अपना परम मित्र मानते थे और जिसमें पंचशील के सिद्धांतों को सबसे पहले अपनाया उसका इस तरह का व्यवहार करना जो उसे उचित नहीं था ये कि मित्र ऐसा करे वो ना तो इस धरती के ऊपर उसको कोई माफ़ करने वाला है और ना ईश्वर की दरगाह में करने वाला है ऐसा कहते हैं ऐसा हुआ कि ये कार्यक्रम यू के सेनानियों के ऊपर था सेना सेनाओं के ऊपर था उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रोग्राम था तो उसकी प्रदान की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने करनी थी जी समय तय हो चुका था दिन तय हो चुका था तो जो प्रोग्राम वहाँ पे देने वाले थे उन्होंने सोचा कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाए इस समय शहीदों की याद में सैनिकों के सम्मान में कि जो अपने आप में एक बेजोड़ हो हलचल मची जी पे निश्चित किया गया कि शहीदों के बारे में के के सम्मान बारे में आन के बारे में शान के बारे में गीत कौन लिखेगा तो प्रदीप शर्मा ने कहा कि मैं गीत लिखूंगा और लता जी का जो उसे स्वर देने वाले संगीतकार थे उनके साथ कोई अनपन थे कही जे गाएगी तो नहीं संगीतकार जे बैठेगी तभी उसकी धुन बनेगी उसकी उसका स्वर जो स्वर लहरी है वो बताएंगे कि ये कैसे गाना है जो कैसे नहीं गाना है किंतु खैर बीच में मदरसा वाले कुछ दोस्त आए उन्होंने संगीतकार के साथ नता जी का जो मन बटाव था वो दूर किया कि देखिए इस समय हम जो का कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो हमारा निजी नहीं है वो हम देश के जो सेनानी हैं जो मारे गए हैं घायल हुए हैं या जो तो हुए हैं जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है हमने उनके लिए जो गीत तैयार करना है तो प्रदीप जी ने गीत लिख दिया संगीतकार ने संगीत दिया लता जी गाने वाली थी स्वर सम्रागी तो गीत थे गीत के स्वर थे ए मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी जो, जो शहीद हुए हैं उनकी यार याद करो कुर्बानी जो वहाँ बैठे हुए थे सेना बले और जो मंत्री संतरी थे यहाँ तक उनकी आंखों में तो आंसू आए ही आए प्रधानमंत्री नेहरू जी की आँखें आए और उनकी आंखों से आंसू बहने हो गए वो गीत के मार्मिक बोल आज भी कभी हम सुनते हैं तो हम उठते हैं कि जो जो माँ बाप के जो पुत्र थे जो उनके सपने थे जो उनकी एक मीठी आस थी जीवन की बुढ़ापे का सहारा थे जिनके जाने की वो पीठ देखते थे आने के उनका मुखड़े का मुख को देखने का पुत्र का वो उनका एक चाब होता है का बेटा आएगा हम उससे मिलेंगे कुछ बातें करेंगे सुख और दुखी तो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उन शब्दों से बहुत आहल हुए और युद्ध क्यों हुआ उन्नीस सौ का हमारे जो सेनानी थे सुरक्षाकर्मी थे क्यों मारे गए ऐसा सुनने में आया कि जब पंचशील की बात हो गई इसे चीन ने अपनाया सबसे पहले ये सबसे बड़ा मुल्क था और एक बात और जी चीन देश उन्नीस में जो आजाद हुआ और भारत देश ऐसा था जिसने सबसे पहले मान्यता इसको थी तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने सोचा कि हम इन्हें पहली मान्यता देने वाले हैं उनको दोसी का हाथ बढ़ाता है जो दूसरे देश उनकी परवाह करनी छोड़ती अगर किसी आदमी का पड़ोसी बिगड़ जाए तो जो सबसे कहानी की बात होती है पड़ोसी से बढ़नी चाहिए रिश्तेदारों से बने या ना बने अगर एक पड़ोसी साथ है तो गांव साथ है अगर एक गांव साथ है तो कई गांव साथ हैं अगर कई गांव साथ हैं तो हमारा पूरा जो प्रांत हमारे साथ है अगर प्रांत साथ है तो पूरा देश हमारे साथ है। जी। जब देखा कि जपान शीर को चाइना ने अपनाया है और दूसरे देशों ने अपनाया है तो पाकिस्तान की बात छोड़िए कि ये तो इतना सा मुल्क है से हम क्या समझते हमारा इतना बड़ा जो देश है हमारा मित्र है तो श्रीमती गांधी ने उस टाइम वो उन्हें सुझाव दिया कि पिता श्री ये सेनाओं के ऊपर गोला बारूद के ऊपर इतना आप खर्च क्यों कर रहे हो अब पन हो गया किसी ने हमला नहीं करना इनको ऐसा करिए जो जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं इनको कहिए है कि जब ये अपने गांव में या शहरों में जाएं तो रात्रि काल को वहां पे पहरा दें लोगों की चोरियां ना हों डकैतियाँ ना हो ये बात उस समय का जो सेनापति था उसके कारण तक पहुंची नेहरू जी ने उनको बुलाया कि मेरा सुझाव है कि जो सेनाओं के ऊपर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है तो क्यों ना वो पैसा जो है वो हम आ, दूसरे जो देश की जो दूसरी स्कीमें हैं पंचशीले योजना है वो बना करके लोगों के ऊपर खर्च किया जाए तो सुरक्षाकर्मी है जो अपने गांव में जाकर के या जा शहर में जाकर के गली मोहल्ले में वो पहरा दे तो सेनापति जो सेना के थे उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ सोचने के बाद बोले ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं किंतु एक शर्त रहेगी वो क्या तो शर्त जे होगी अगर कोई देश भारत के ऊपर हमला करेगा और उस ऐत ऐतबार होगा छुट्टी होगी तो हमारी सेनाएं लड़ेगी नहीं <laughs> जी जी नेहरू ने जब ये बात सुनी तो वो चेतन हो गए इसी बात को छोड़ दो वो बच्ची है उसकी बात को छोड़ दो सुना तो उसने भी था कि ऐसा ऐसा जो उसको सलाह देने वाली इनकी बेटी है तो चाइना का हमारे देश के ऊपर हमला करना एक तरह से एक मित्र घात भी था और एक तरह की सबसे बड़ी शिक्षा भी थी अगर उन्नीस में चाइना हमला ना करता और इस देश को सचेत तो ना करता और अपना सही रंग ना दिखाता तो उन्नीस में जिसके पैटर्न साइबर जेट जो हवाई जहाज़ थे वो आकर के दिल्ली रुकते ऐसा उनको मानना था कि हमारे पास साइबर जेट हैं हमारे पास टैंक टैंक हैं अमेरिका के दिए हुए हमने नाश्ता जो करना है दिल्ली जाकर के करना है जी उनकी प्लानिंग थी किंतु उल्टा गया भारत ने तीन वर्ष में ही स्वयं को डिफेंस में इतना अपने आप को मजबूत किया कि वो यहां थे वो मार के निकले और हर भारतीय ने मुझे उस समय याद है मैं उस समय शायद आठवीं में पढ़ता था जी। तो देश के बाद पैसा कहाँ था इतना अभी अभी देश आजाद हुआ था तो उस समय ये जो पब्लिक रिलेशन वाले होते हैं लोग लोग पब्लिक रिलेशन वाले होते हैं वो आते थे एक नाटक करते थे और लोगों से मांग करते थे कि भई हमें सुरक्षा के नाम के ऊपर देश का हमने देश के लिए हमने असला ख़रीदना है देश को मजबूत करना है तो दान करिए मुझे अच्छी तरह याद है उस समय कि लेडीज़ ने अपने गहने उतार करके वो देश की सुरक्षा के, के लिए जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने जो गोलकों में पैसे थे वो उनको भेंट किए थे और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको जो जो दो चार पाँच दिन के लिए जो मिलता था वो उसमें जमा करवाते थे कि मेरे देश के लिए ये हमारा छोटा सा ये हमारी भेंट है हमारे देश की सुरक्षा के लिए इसी तरह मुझे एक कहानी और याद आती है जी। लंका में पुल बनाया जा रहा था लंका में पहुंचने के लिए जी नल और नील उस समय के दो बड़े इंजीनियर थे एक पत्थरों का पत्थरों को समुद्र के बीच में उनको बांधना और तैराना और पूरी सेना को ऊपर लाघने के लिए उस काबुल बनाना जो अपने आप में एक बेजोड़ बात है जी के पत्थरों को कौन तैरा सकता है पत्थरों को कौन बांध सकता है वो भी एक समुद्र के समुद्र के ऊपर जिसमें इतने इतने बड़े वहाँ पर मछलियाँ हैं वीर मछली जैसी है या मगरबाश है या मगर तूफान उठता है और कितनी कितनी ऊंची जो लहरें उठती हैं वो बना जब वो बन रहा था तो जो बड़े बड़े शूर भी थे वो बड़े 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 खंड ला करके वो समुद्र में फेंक रहे थे पत्थर फेंक रहे थे नालों और नील उनकी और नील की अगवाई में वो पुल बन रहा था तो ऐसा हुआ कि एक जो गलहरी होती है गलहरी क्या कर रही थी वो भी राम की मदद के लिए आ रही थी कि मैंने भी इसमें कुछ ना कुछ योग डाल डालना है जी वो समुद्र के बीच में डुबकी लगाती रेत में आगे ऐसी बिल्सती और जाके पानी के बीच में डुबकी लगाती उसका मतलब ये था कि मेरे जो शरीर से लगी हुई रेत है वो भी पुल बढ़ने में सहायक हो अच्छा तो कहते हैं कि भगवान राम ने जब ऐसा देखा तो उसके लहरी के ऊपर अपनी थी ही छोटी सी उंगलियां फिर आज भी तीन उंगलियों हाँ, के निशान मौजूद होते हैं हुए। जी वो कहते हैं कि जब भगवान राम के हैं उसने उसे शाबाश दी थी कि तू मेरे इस काम इतनी सहयोगी है उसे प्यार किया वो आज भी तीन उंगलियों के निशान है वो कहते हैं भगवान राम के जी सोच छोटे-छोटे बच्चों में वैसा भाव उठा उन्होंने देश के लिए जो हो सकता था okay. कोई स्त्री अपना मंगल सूत्र नहीं देती अपने hmm. पति को देके राजी नहीं होती वो hmm. जो उनके पास था लोगों ने जो जिस काबल थे समर्पित कर दिया और देश में सुरक्षा इन्होंने असला खरीदा और सन पैंसठ में अपने देश को बचाया hmm. तो ये देशभक्ति की एक आ, मैं पहले एपिसोड में कह रहा था कि जितने हमारे स्कूल हैं या कॉलेज में जो यूनिवर्सिटियों इन में इनमें सबको एक सैनिक की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि हर देश का जो नागरिक है स्त्रियों पुरुष युवा लड़कियां लड़के सब देश की सुरक्षा किसी समय ऐसा हो सकता है वो देश की सुरक्षा कर सके मुझे एक बात और याद आ रही है कि दक्षिणी वितनाम और उत्तरी तनाम में जंग चल रही थी एक का पक्ष अमेरिका ले रहा था बमबारी हो रही थी दिन को काम नहीं हो रहा था और उस वितनाम के एक हिस्से ने मुझे याद नहीं को उत्तरी था या दक्षिणी था तो वो रात को उनके स्कूल खुलते थे रात को उनके कॉलेज खुलते थे रात को सारी प्लेनगे होती रात को उनकी कारखाने चलते थे तो आखिर बेतनाम ने उनके सामने घुटने टेक लिए क्यों वो सारी जो वो सारा जो बेतनाम था वो हिस्सा वो सारा एक संगठन था जब उसने देखा कि इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है तो उसने घुटने टेके और वो निकलता बना सो देश सुरक्षित है कर्मियों से और सुरक्षा कर्मी जो हैं इनका देखो जो अपने प्राणों का एक मोल करके आ रहा है और एक जो सबसे बुरी बात जो पिछले दिनों देखी गई कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए समूह कहा हमारे सैनिकों का जब उन्होंने कत्ल किया सोए हुए जी। तो एयर स्ट्राइक हुई यहाँ उनके आतंकी का बहुत बड़ा शिविर था हमारे जो वीर बहादुर हमारे आ, अपने पायलट थे उन्होंने अंदर जाकर के वो मार करके सुरक्षित जहाँ पे आए तो उस समय जो दूसरी पार्टियों के नेता थे वो सवाल उठा रहे थे इसका हमें सबूत दो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है जी 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 जरूर कि जो हो रहा है जो हुआ है उसे स्वीकार करिए बिल्कुल पिछले दिनों तीन सौ सत्तर की बात आई जहा कश्मीर में बहुत बड़े एक हमले हो रहे थे सुरक्षाकर्मी के सुरक्षाकर्मी मर रहे थे पथराव हो रहा था सैकड़ों की तादाद पे हमारे सुरक्षाकर्मी उस समय जख्मी हो रहे थे मर रहे थे और दूसरे जो नेतागण जो थे अपोजिशन पार्टी वाले उठा रहे थे नहीं। नहीं। वो सरकार की आलोचना कर रहे थे और जो पत्थरबाज थे उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे कि जी हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके ऊपर ज्यादा कर रहे अच्छी बात नहीं है मैं कहता इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है उनके अपने सुरक्षाकर्मी जो तुम्हारी जहां जो कमांडो लगे हैं इनको हटा करके जरा देखिए ये जो नेतागण बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं इनको ये अपने बच्चे जरा भेजो सेना में सेना में सुरक्षाकर्मी बना करके देखो जरा सेनापति बना करके देखो जरा सेनानी बना के देखो जब वो बॉर्डर पे जाएगा और जब वो शहीद होगा तो देखो तुम्हारे कैसे बयान कैसे पढ़ते हैं पता उसे चलता है जिसका बच्चा जिस बच्चे का बाप जिस माँ का बेटा जिस पत्नी का पति जी 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 जिस बहन का भाई जिसका दोस्त और जिस शिक्षक का छात्र वहाँ खड़ा है और जब ये खबर आती है कि वो देश की सुरक्षा के लिए वो कुर्बान हो, हो गया शहीद हो गया शहीद हो गया तो उनके दिल पे क्या गुजरती है इन नेतागणों को ये नहीं पता है क्योंकि जो सुरक्षा में है ये जो बयान देते हैं ये एक सुरक्षा कब्ज में देते हैं ये भी अपने बच्चों को भेजे मैं कहता हूं संविधान में ऐसा ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितने नेता हैं इनका बेटा है या बेटी है एक एक को कहोगे गे एक एक, एक अपनी बेटी या बेटा जो सेना में जो सुरक्षा कर्मी बना करके सुरक्षा में भेजो फिर देखते हैं कैसे बयान आते हैं पिछले दिनों कुछ ऐसे बयान आए जो देश की सेना के ऊपर सीधे ही उंगलियां थीं वो बहुत बुरी बात थी पाकिस्तान उन्हीं बयानों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में वो वो अपने भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहा था बात के खिलाफ हो रहा था देखो जी इनकी जो राष्ट्रीय जो जो नेता हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारत ने जो किया है कश्मीर में वो बहुत बुरा किया है देखो इनका नेता कह रहे हैं hmm. मैं कहता हूं अपने नेतागणों से कि जो भी आपको सरकार से कोई शिकायत है उसके एक दायरे हैं आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए उसमें अपने मन की बात करिए और जो मन की बात आप आ, उसके खिलाफ कोई भी बात करनी है वो उस देश की हुक्मरान पार्टी के खिलाफ करिए आप आप देश की सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ नहीं या देश की सेनाएं जो है उनके खिलाफ नहीं या देश के जो शहीद हो रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बातें करिए ताकि ये संदेश जो हमारा शत्रु देश है उनको ना जाए और इसे होता क्या है जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनका जो मानसिक रूप से वो कमजोर होते हैं कि हम देश के लिए शहीद हो रहे हैं जी, और ये हमारे ही खिलाफ जो बयान दे रहे हैं आप उस पार्टी की आप जो पार्टी है उसकी आलोचना करिए देश के सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं उनके उनक, उनके खिलाफ तो बयानबाजी ना करिए आपको पत्थरबाज अच्छे लग रहे हैं और जो तुम्हारी सुरक्षा में बैठे हैं जो अपने के शहीद हो रहे हैं वो आपको बुरे लग रहे हैं ये बहुत शर्म की बात है ऐसा नहीं चाहिए नहीं। और राष्ट्रीय पार्टी के नेता और राष्ट्र के ही खिलाफ वो एक तरह का राष्ट्र के खिलाफ एक बगावत रही और क्या है कि सुरक्षा कर्मियों के उस समय जबकि पत्थरबाजी बहुत हो रही थी और अपने रावत जी विपन सेनापति थल सेना के जी, जी. तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो भी उग्रवादी आएगा उसे ढाई फुट नीचे हम दबा के रखेंगे या इस तरह के कड़े जब बयान दिए कि यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे जो सुरक्षाकर्मी है उनके ऊपर को पत्थरबाजा हमला करे तो इस बात का विरोध हुआ था कई कुछ उनकी शाम के खिलाफ कहा गया जो एक बहुत बात है एक सेनापति बढ़ना, सेना बढ़ना वो कामन बात नहीं है दू, दूसरे जो नेतागण हैं वो किसी को मूर्ख बना करके किसी ना किसी तक नेता वो नेता तो बन सकते हैं किंतु सेनापति बनने के लिए आदमी की कितनी लियाकत है कितने साल का तजर्बा है वो जानता है तो सेना देश की सुरक्षा के साथ कोई कभी भी किसी भी स्तर के ऊपर जाकर के समझौता नहीं होना चाहिए आगे आप पढ़िए जरा जी <laughs> कई बार कुछ वर्षों में पाक देश में घुस आया भारत प्रभु सत्ता मिटाने शत्रु ने था मन बनाया नब जल थल तीनों से बेरी ने गोली गोले बरसाए निर्दोष जनता मारी गई झोपड़ी महल थे खाक मिलाए त्राही त्राही मची बतन में मोर्चे वीरों ने संभाले हाहाकार मची रिपुदल में पड़ गए प्राणों के थे लाले भीड़े टैंकों से टैंक गगन लड़े लड़ाकू विमान सैनिक हुए गुत्थम गुत्था सिंह गर्जना किरण बांकों में हुआ युद्ध था तब घमासान लाल बहादुर का था नारा जय जवान और जय किसान विजय हुई थी भारत की बांग्लादेश आजाद हुआ हुआ अपमान बंदी सैनिक अखंड पाक दो भाग हुआ स्वतंत्रता के रक्षक सैनिक आजादी क्षमा के परवाने तेरा जीवन नौछावर देश या प्रण वतन पर पड़े गवाने कर्तव्य कर्म के युगल करो से आजादी दीप बचाते हैं रण में पाकर वीर गति स्वर्ग धाम को जाते हैं मात पिता सुदारा बंधु कर्तव्य सन्मुख तिनके तिन सम्मान तू गौरव भारत माता का तू देशभक्त सपूत महान सन उन्नीस का जो युद्ध हुआ तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वो एक बहुत ही ईमानदार नेता थे चाहे उनको उन्होंने थोड़े समय में भारत की केंद्रीय सरकार की बागडोर संभाली किंतु उनकी ईमानदारी सत्यता देश प्रेम की उदाहरण आज भी देता है कि काश उन्हों उनको देश की सेवा करने का पाँच सात दस साल मौका मिला होता तो आज देश का नक्शा कुछ और होता जिसमें हमारे पास नहीं था जिस समय हमारी जो बॉर्डर थी वो कमजोर थी तो उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान किसान सीमाओं की रक्षा करेंगे और जो किसान है जो सेनानी है जो सेना है वो हमारे देश की रक्षा करेंगे बॉर्डरों के ऊपर सीमाओं के ऊपर और जो किसान है वो अपने खेतों में हरियाली हरियाली पैदा करेगा अनाज पैदा करेगा दो मोर्चों पे अगर हम कामयाब हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता किन्तु एक नारा और दिया गया है जी और विज्ञान के साथ अगर कहा जाए कि जय भगवान बहुत अच्छी <laughs> बात है भगवान का भरोसा लेकर के विज्ञान भी आज आगे से आगे निकलता जा रहा है देश के लिए ऐसी ऐसी सैटेलाइटें ऐसी ऐसी मिसाइलें ऐसे ऐसे टैंक ऐसी ऐसी पंडुबियां उन्होंने तैयार की हैं कि आज कोई हिंदुस्तान की तरफ मुंह करने की कोई जरूरत नहीं करता जी उन्हें जरूर। पता है कि आगे कौन खड़े हैं और बांग्लादेश की बात आती है सन इकहत्तर की बात आती है पैंसठ की बात छोड़िए पाकिस्तान एक वो मुल्क था जिसने बांग्लादेश में वहां पे यूनिवर्सिटियों के अंदर टैंक टैंक जो थे वो वो उन्होंने वहां घुसाए थे वहां पे और जो वहां पे छात्राएं थी उनके साथ बलात्कार हुए उन्हें मारा गया उन्हें पीटा गया उन्हें उन्हें पीटा जलील किया गया उन्हें गर्भवती किया गया ये पाकिस्तान की जो संस्कृति है जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसे भी जनरल है, है। ऐसी भी सेना है जो अपने ही देश की जो बेटियां हैं उनके साथ ही बलात्कार कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे थे उनको संगीन के ऊपर उठाते उठा, उठा रहे थे वो लोग जब ऐसा जहां पे जुल्म होता है तो ईश्वर कहता है ठहरो तुम्हारा इलाज मैं करता हूं क्या हासिल हुआ पाकिस्तान का दो टुकड़े हो गए और उन्हीं की आहें जो आत्माएं जो बच्चे मारे गए या जो अपना सब कुछ महिलाएं हमारी वहां की बेटियां जो सब कुछ उनका लूटा तो जो उनकी आहें निकली पाकिस्तान को बोली बैठी हैं आज पाकिस्तान में क्या है एक कटोरा को कभी भैंसें ही बेचते फिरते हैं कभी बुकारें ही बेचते फिरते हैं कभी कुछ बेचते फिरते हैं कंगाल हुआ मुल्क है वो कंगाल क्यों हुआ उसने एक चीज पकड़ी है उग्रवाद हिंदुस्तान बर्बाद नहीं हुआ किंतु तो वो बर्बाद हो गया <laughs> जी किसी की किसी के

वहां पे संयुक्त गश्त के लिए हम तैयार हैं किंतु वह मानता नहीं है वो उसे उसे अपने बात का अपनी राष्ट्रीय नीति जो उसने अपने भारत को मिटाने के लिए नष्ट करने के लिए अपनाई है उससे पीछे नहीं हो रहा यो पैसा वो उग्रवादियों को दे रहा है पीओके के में जो उसके शिविर लगा रहा है असला दे रहा है पैसे दे रहा है वो अपनी आस्थिति को संभालने के लिए उसको लगाए और भारत भी खुशहाल होगा और वो भी खुशहाल होगा और जो जो बुरी नीयत वाले हैं उन, उनको बाहर निकाले सजा दे फांसी के ऊपर चढ़ाए उन्हें कि ये क्या कर रहे हैं? हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए दे दो इनको फांसी जी वो उन, उनका भी सुधार हो देश का होगा और हमारे भी जो इतना उगर बात को संभालने में पैसा लगता है वो भी लोगों की भलाई की चलेगा सो सुरक्षा कर्मी देश की क्षमा के ऊपर जलने वाला परवाना है जैसे परवाना आता है तो हो सकता उसका कहीं परिवार होता जो नहीं जे तो मुझे नहीं पता किंतु परवाने के जगह उसके ऊपर जल मरना उसका धर्म है ऐसे ही जो देश की सेना है जो देश की सुरक्षा कर्मी है वो उस आजादी की लौ के ऊपर उसे बचाने की खातर वो खुद को ही शहीद कर देते हैं। जी जी और इन्हें मैं सबसे बड़ा सम्मान उन्हें देता हूँ मान देता हूँ जब भी कभी सुरक्षा कर्मी के बारे में वो तो गलत बोलता है तो मेरा खून खोल उठता है दो शब्द आप वीरों के प्रति क्या कहना चाहेंगे मैं वीरों के प्रति ये कहना चाहता हूँ जो हमारे नौजवान हैं वो अपने नशे की नशे से परे रहें। जी अपनी जो पुरानी संस्कृति है जो हमारे वीर जैसे महाराणा प्रताप है या मंगल पांडे है तांत्या टोपे है लक्ष्मी भाई है इस तरह के जो हमारे बहुत ही बहादुर एक स्वाभिमानी देश की रक्षा करने वाले उन वीरों की वो किताबें पढ़ें उनकी जीवनियाँ पढ़ें ताकि उन्हें पता चले कि स्वामी भक्ति क्या होती है राष्ट्र प्रेम क्या होता है और राष्ट्रीयता क्या होती है अगर राष्ट्र मजबूत तो होगा तो वो भी मजबूत तो होंगे उनका उनका जीवन सुरक्षित तो होगा नशों से परे रहें शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और ये जो यूनिवर्सिटी हो रहा है टुकड़े-टुकड़े का रहा है जी। ये इनसे परे पार्टियों और राष्ट्रीयता की भावना रखे मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ यशपाल शर्मा जी आपने सुरक्षा कर्मी के बारे में बहुत अच्छा बताया साथी वीरों के प्रति भी कुछ आपने उल्लेख दिए आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मित्रों इस कविता में बहुत अच्छी बातें बताई गई सोचना समझना और अपने कदमों को एक पग पग तरह से रखना सुरक्षा कर्मी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति